अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जान साहब के आने वाले एपिसोड में आप देख रहे थे दुआ जो थे नौशेरवान से निकाह तो कर लेती है, लेकिन निकाह के बाद वो बहुत ज्यादा घबराई होती है। उसके दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे होते हैं कि नौशेरवान भी दूसरे मर्दों जैसा है, लेकिन नौशेरवान उसके पास आएगा और उसे कहेगा वो उसे यहाँ से निकाह के रिश्ते में बांध कर लेकर जा रहा है और वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। एक फिलहाल रिश्ते में बांध कर वो उसे यहाँ से लेकर जा रहा है और जब तक वो नहीं चाहेगी वो उसके पास तक नहीं आएगा, इसलिए उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो नौशेरवान कसनवीत कभी भी अपनी बात से मुकरता नहीं और अपने वादे से पीछे नहीं हटता, इसलिए तुम अपने मासी को एक भयानक सपना समझकर भूल जाओ। मैं तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें खाली नहीं होने दूंगा। जब दुआ नौशेरवान के साथ जाती है तो उसका आलीशान महल देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और नौशेरवान की अच्छाई उसे बहुत ज्यादा मुतासर करती है। वो नौशेरवान को कहती है कि उसे यकीन नहीं आ रहा कि उसे आप जैसा अच्छा इंसान मिल गया और आप मुझे अच्छा समझते हैं, ये आपका बड़ापन है। दुआ इस सबसे बहुत ज्यादा खुश होती है। दुआ की खुशियाँ तो ज्यादा देर चलने वाली नहीं, जब दुआ को ये बात पता चलेगी कि नौशेरवान से उसकी शादी पहली नहीं बल्कि दूसरी है और नौशेरवान की पहले से ही शादी हुई है, तो ये बात दुआ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी और नौशेरवान के सारे एहसानात बोलकर नौशेरवान को कहेगी कि वो ये भूल जाए कि दुआ नाम की लड़की भी उसकी जिंदगी में कभी आई थी। वो एक धोखेबाज इंसान है और वो उसके साथ मजीद नहीं रह सकती।